आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ महर्षि वैशंपायन जी महाभारत के आदि पर्व के सातवें अध्याय में। कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। अपने पुत्र के प्रेत कार्य करके उसने गंगा नंदन भीष्म से कहा, जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य भाषण से आयु का बढ़ना असंभावी है, वैसे ही तुम्हें धर्म पालन का होना भी निश्चित है। हे धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो, नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुल उचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है, इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम उसे सुनो और उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अति प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। हे नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां काशी राज की कन्याएं मनोहर रूप और यौवन से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। हे भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। हे महाबाहो, मेरी आज्ञा से ये धर्मकार तुम अवश्य करो। भीष्म जी ने कहा, हे माता जी, तुमने जो कुछ कहा है वो धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं है, परंतु मैं राज्य के लोभ से ना तो अपना अभिषेक कराऊंगा और ना स्त्री सहवास ही करूंगा। मैं तीनों लोकों का राज, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। हो सकता है पृथ्वी अपनी गंध को छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य अपनी प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश अपने शब्द गुण का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र अपने पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सत्यवती बोली, हे सत्य पराक्रम, मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी जानती हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आप धर्म का विचार करके बाप दादाओं के दिए हुए इस राज्यभार को वहन करो। अतः हे परतम, जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट ना हो, धर्म की भी अवहेलना ना होने पाए तथा प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाए, तुम वही करो। भीष्म जी बोले, हे राजमाता, धर्म की ओर दृष्टिपात करो, हम सबका नाश मत करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। हे माता, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो निश्चित उपाय है उसे बताता हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। सत्यवती ने कहा, पहले कन्या अवस्था में मेरे गर्भ से
एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो द्वैपायन के नाम से विख्यात है। वह सत्यवादी, शांत, तपस्वी तथा पाप से शून्य है। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वह अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़ कर बोले, हे माता जी, आपने जो बात कही है वो धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर है। उस समय भीष्म जी द्वारा इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर सत्यवती ने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया, अर्थात उन्हें बुलवाया। तब वे सहसा वहां आ पहुंचे और अपनी माता से इस प्रकार बोले, धर्म के तत्व को जानने वाली हे माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूँ। सत्यवती बोली, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मता पुत्र पाने की अभिलाषा है। हे पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः इन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा बुद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।